मुजफ्फरनगर मामले को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मुजफ्फरनगर के स्कूल में हुई छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन भी सतर्क है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा स्कूल मान्यता रद्द की कार्रवाई शुरू हो गई है और शिक्षा विभाग ने भी नोटिस भेजा है। शिक्षा विभाग ने स्कूल के मानकों को लेकर कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आगामी चुनाव ध्यान में रखते हुए जनता के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी है। मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए 11 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस अपने 11 वचनों के साथ मध्य प्रदेश के हर घर में खुशहाली लाने का संकल्प के साथ आप लोगों के बीच है। उन्होंने आगे लिखा, 18 साल के शासनकाल के बाद भी जिन्हें चुनाव चाल लड़ना पड़े वो दल और उनकी सरकार बनावटी, दिखावटी और सजावटी है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा हाल ही में महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। इस दौरान कपल भारतीय परिधान पहने नजर आए। परी राघव ने इस बीच हर पारंपरिक चीजों का ध्यान रखा। 13 मई को ही दोनों की सगाई हुई है। ऐसे में कपल देश भर के धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित सांताक्रूज इलाके में एक बड़ी घटना घटी है। यहां के गैलेक्सी होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं। ये जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में 6 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कमान मिलने के बाद अजय राय ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की सूची जारी की गई है। सूची के मुताबिक 15 प्रदेश प्रवक्ता, 17 मीडिया पैनलिस्ट बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की संतुष्टि पर सूची जारी हुई है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की मोस्ट वांटेड पत्नी जैनब फातिमा की अग्रिम जमानत अर्जी से सरकारी अमले में हड़कंप मच गया है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें जैनब फातिमा को तलाश कर रही हैं। पता चला है कि उसने करीब 2 हफ्ते पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आइडेंटिफिकेशन सेंटर में फोटो खिंचवाई थी। बता दें कि अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए आइडेंटिफिकेशन सेंटर में याचिकाकर्ता का फोटो खिंचवाना जरूरी होता है। बीजेपी नेताओं ने पटना में रविवार 27 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में महिला सशक्तिकरण की बात की। देश में खेल को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर मुंबई में विपक्ष दलों की तीसरी बैठक होने वाली है। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन पर्व पर लाडली बहनों को उपहार देने का वादा किया था। सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल में जम्बूरी मैदान में लाडली बहनों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की लाडली बहनों को किसी प्रकार की राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि अभी लाडली बहनों को 1,000 रुपए हर महीना सरकार दे रही है, जिसे धीरे धीरे बढ़कर 3,000 रुपए प्रति महीने तक ले जाया जाएगा। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी और विपक्ष के नेता लगातार गहलोत सरकार को घेर रहे हैं। प्रदेश सहित संचोर में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि वो दिन दहाड़े वारदात अंजाम देने से भी नहीं चूक रहे हैं। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई और उनके दोनों बेटों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रेलवे सुविधाओं की विस्तार की मांग, भारतमाला सड़क की मांग और नगरनाल स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में लगभग 1 लाख बस्तरवासी पोस्ट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी इन मांगों को लेकर चिट्ठी भेजने की तैयारी में हैं। बस्तरवासियों का कहना है कि लंबे समय से बस्तर के लोगों के द्वारा यह 3 मांगें की जा रही है। हरियाणा के नूह में एक बार फिर हिंदू संगठनों के शोभा यात्रा निकालने की चेतावनी दी है, जिसके बाद वहां धारा 144 फिर से लागू कर दी गई है और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस हिंदू संगठनों की चेतावनी को लेकर बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। घरेलू शेयर बाजार में हाई लेवल पर हो रही बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अब बिकवाली का स्तर पहले से नर्म हुआ है, लेकिन घरेलू शेयर बाजार लगातार 5 सप्ताह से नुकसान में जा रहे हैं। पिछले सप्ताह के दौरान ट्रेंड में बदलाव की उम्मीद जगी थी, लेकिन बीएससी सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी दोनों हल्के घाटे के साथ बंद हुए।
ऑस्ट्रेलिया के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रिटेंडन रन के दौरान एक ऑस्प्रो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 अमेरिकी नौसैनिकों की मौत हो गई है जबकि 20 अन्य सैनिक घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मरीन कॉर्प्स का एक विमान रविवार को बहुराष्ट्रीय परीक्षण अभ्यास के दौरान उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 3 नौसैनिकों की मौत हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए वनडे मैचों में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। वहीं कुंबल ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 का तीसरा मैच 2 सितंबर से खेला जाएगा। पलेलिकल में खेले जाने वाले इस मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।